तो आज हम देखेंगे बोन्स के बारे में कि बोन्स का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कहते हैं बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, बोन्स क्या होते हैं, टफ होते हैं स्ट्रक्चर में। टफ से मुराद सख्त, हार्ड, हार्ड इन स्ट्रक्चर, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। और ये बोन्स एक तो टफ स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, और किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। अच्छा, बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम डिफर इन साइज एंड शेप। याद रखिएगा, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, यानी जहां जहां बोन्स है, वो क्या करती है, साइज में भी डिफर करती है और शेप में भी। यानी बोन का जिस तरह का साइज होगा, उसी तरह की क्या होगी, शेप होगी। बट दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। बोन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट और फंक्शन में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब याद रखिएगा, जो ज्यादातर जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द बोन, यानी बोन का जो ज्यादातर हिस्सा है, फॉर्म बाय कोलेजन फाइबर्स। एक तो किस चीज से बना हुआ है, कोलेजन फाइबर्स से बना हुआ है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना है। वाइल अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड मिनरल्स एंड 10-20% वाटर। अब देखें, बोन की कंपोजिशन में कितनी चीजें आ गई। एक तो कोलेजन फाइबर्स आ गए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आ गए, तीसरे मिनरल्स आ गए, और 10-20% क्या आया, वाटर आया। तो इन चार चीजों से मिलकर क्या बना है, बोन्स बने हैं, इन चार चीजों से। अब कोलेजन फाइबर क्या चीज है, याद रखना, कोलेजन इज द फाइब्रस प्रोटीन। वो जो कोलेजन फाइबर असल में क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। इनका काम क्या है, कोलेजन फाइबर का स्ट्रेंथनिंग बोन, बोन को क्या करना है, मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है विथ कैल्शियम। अब ये क्या करते हैं, कोलेजन फाइबर्स के अंदर होता है कैल्शियम अपॉन कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन। देखिए, कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे बोन्स में क्या एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। अलोंग बोन हैज थ्री डिस्टिंक्ट रीजंस। याद रखिएगा बच्चे, जो लॉन्ग बोन होती है, या डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं, उसके कितने रीजंस होते हैं, तीन रीजंस होते हैं। ये हमारे बोन है, बोन के तीन रीजंस हैं। द टर्मिनल रीजंस आर कॉल्ड एपिफाइसेस। तो याद रखना, जो टर्मिनल रीजन है, टर्मिनल कहते हैं सबसे इसके टॉप पर, जो बोन के टॉप में है, ये क्या कहलाता है, एपिफाइसेस कहलाता है। तीन रीजंस में हमने बोन को डिवाइड किया, बोन की हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे ऊपर क्या होता है बच्चे, एपिफाइसिस। मिडल रीजन में होता है डाइफाइसिस। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, मिडल में क्या आएगा, ये क्या है, डाइफाइसिस। ये हम आपको बोन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सही है। और मिडल रीजन में क्या आया, डाइफाइसिस आया। और इन बिटवीन एंड मिडल एंड टर्मिनल रीजंस इन द मेटाफाइसिस एट बोथ एंड्स। दरमियान में और टर्मिनल रीजन के बीच में क्या आता है, मेटाफाइसिस आता है। द एपिफाइसिस इज अ कैंसिलस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। ये जो एपिफाइसिस होता है बच्चे, ये स्पंजी टाइप होता है, स्पंज देखा है ना आप लोगों ने, ये क्या होता है, स्पंजी टाइप, सही है। क्या होता है, स्पंजी टाइप होता है ये। क्या क्या स्पंजी टाइप होता है, एपिफाइसिस। इट हैज स्मॉल वेट बेयरिंग क्रॉस लिंक्ड रीजंस कॉल्ड ट्रैबेक्यूली। याद रखिएगा, इसके अंदर छोटे वेट बेयरिंग, यानी देखें हमारे बॉडी का वेट कौन बर्दाश्त कर रहा है, यही बोन्स बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वहां एक रीजन है जो वेट बेयरिंग है, सही है, उसको क्या कहा, ट्रैबेक्यूला। एपिफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो। अब पता चला बच्चे, कल हमने कहा था रेड बोन मैरो में क्या बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो यहाँ एपिफाइसिस से क्या होता है, रेड बोन मैरो, यहाँ पे क्या होगा, सेल्स की प्रोडक्शन होगी। अच्छा, विच प्रोड्यूस 20% ब्लड सेल्स। याद रखिएगा, यहाँ रेड बोन मैरो में कितने परसेंट सेल्स बनेंगे, 20%। दैट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। और तकरीबन ये जो सेल्स हैं, ये हमारे वजन में कितने परसेंट बनता है स्केलेटन के, 20%, यानी इनका
इज कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। अब याद रखना यहाँ पर जो सबसे बाहर का जो बोन होता है डाइफाइसिस के करीब, ये देखें ये जो बाहर की कवरिंग है इसको क्या कहेंगे, डाइफाइसिस के बाद कॉर्टिकल बोन कहेंगे। क्या कहेंगे, जो एक्सटर्नल पार्ट है डाइफाइसिस का, डाइफाइसिस ये डाइफाइसिस है और ये जो बाहर की साइड है ये क्या कहलाएगी, कॉर्टिकल बोन कहलाएगा। कॉर्टिकल बोन फॉर्म 80% ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स नोन एज ऑस्टियंस। याद रखिएगा ये जो कॉर्टिकल बोन है तकरीबन हमारे जो स्केलेटल का 80% यही बनती है। देखे ना यहां से देखें इधर से देखें जो मिडल वाला रीजन ये सबसे ज्यादा होता है बोन्स में। तो स्केलेटल सिस्टम में डाइफाइसिस कितने परसेंट है, 80% होता है ये कॉर्टिकल बोन और इसमें छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, सही है, जिन्हें क्या कहते हैं ऑस्टियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियंस कहा जाता है। ईच ऑस्टियन इज मेड अप ऑफ मेनी लेमिला और ये जो ऑस्टियन है ये किसके बने हुए हैं, लेमिला के बने हुए हैं, विच आर कंसेंट्रिक लेयर्स मेड इन ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन। और ये लेमिला जो है इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स के बने हुए हैं, एक तो कोलेजन है दूसरे हाइड्रोक्सीपेटाइड, ये दो चीजों से मिलकर क्या बना है बच्चे, ये ऑस्टियंस की लेयर बनी है। किन से, कोलेजन और हाइड्रोक्सीपेटाइड से जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट है, विच इज मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट। और इसके अंदर क्या होता है ऑस्टियंस में, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इन द सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियन इज अ हेवर्सियन कैनाल, यहाँ पर एक ट्यूब है बच्चे, एक कैनाल है, इसका नाम क्या दिया, हेवर्सियन कैनाल बोला। इस कैनाल के अंदर क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पर, इनर्वेशंस ऑफ द बोन सेल्स और यहाँ पर बोन सेल्स की अरेंजमेंट होती है। इन द सेंटर ऑफ द बोन इज मेड्यूलरी कैनाल और इसके दरमियान में क्या होती है, ये आप देख सकते हैं मेड्यूलरी कैनाल है, यहाँ नीचे जो सर्कल करके दिया हुआ है मेड्यूलरी कैनाल है। A hollow space lined by a honeycomb like structure. ये देखें ये किस जैसा है, एक honeycomb like structure है, शहद के छत्ते जैसा लग रहा है। तो ये इस तरह का structure है, card, spongy और cancellous bone। इसी को spongy bone भी कहा जाता है, इसको और cancellous bone भी कहा जाता है, ये वाला जो region है। The medullary canals contain bone marrow और इस medullary canal में भी क्या होता है, bone marrow which is the site of blood cell production और ये कौन सी जगह है जहाँ पे blood cell production होती है, ये medullary canal कहलाएगी। The overall outer covering of the bone is called periosteum। अब ऊपर से लेके नीचे तक जो bone की outer covering है वो क्या कहलाएगी, periosteum कहलाएगी। And inner is called endosteum और अंदर की जो पूरी कवरिंग है वो क्या कहलाएगी, endosteum कहलाएगी। अब ये जो outer covering है periosteum allows for attachment of muscles connective tissues। याद रखिएगा ये जो पूरी bone है हमारी periosteum में क्या होते हैं बच्चे, muscles attach होते हैं या connective tissues to the bone and provides pathway for blood and lymphatic vessels। और वहां पर क्या होता है blood को जाने के लिए और जो lymphatic vessels हैं उनके लिए क्या बनता है, वहां रास्ता बनता है ताकि वहां से blood जा सके। अब जो endosteum है is a soft, ये क्या होती है, नरम होती है, thin layer पतली होती है और ये inner cavity में होती है long bones के। ये देखें ये हमारे long bones हैं legs में और ये arms में, इनके दरमियान में जो bone होती है उसको क्या कहेंगे, endosteum, जो center में cavity होती है अंदर की तरफ खाली जगह, cavity को किसे कहते हैं, खाली जगह को। It has progenitor stem cells, इसके अंदर ये progenitor stem cells होते हैं। These osteogenic progenitor cells develop into osteoblasts, बाद में ये किस में change हो जाते हैं, ये cells bone में change हो जाते हैं, which excrete the bone matrix and chondroblast। Chondroblast याद रखिएगा जो cartilage जिस cell के बने हुए उनको chondroblast कहते हैं और bone जिस cell के बनी हुई उन्हें osteoblast कहते हैं। और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या सिक्रेट करेगा, कार्टिलेज, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स सिक्रेट करेगा। और याद रखिएगा बच्चे इन दोनों का काम क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का काम ये है, जब खुदा ना खास्ता कहीं किसी का क्या हो जाता है फ्रैक्चर होता है, इट प्लेज की रोल इन द हीलिंग ऑफ
जब हमको सही कर देती है। बाय क्रिएटिंग, अब आप बोलेंगे सर कैसे होता है, बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स, वहां क्या बनेंगे, वो जो सेल्स खराब हो गए थे वो रिमूव होंगे और उसकी जगह न्यू सेल्स आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, नेसेसरी फॉर द बोन्स टू फ्यूज, वहां पे फिर ये बोन्स फ्यूज हो जाएंगे। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बोन। बोन में कितने तरह के सेल्स हैं, तीन तरह के सेल्स हैं, नेमली ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। सही है। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, आर द प्रोजेनिटर दैट एक्सक्रीट मैट्रिक्स। पहली तो ऑस्टियोब्लास्ट की खासियत क्या है, ये क्या मैट्रिक्स अराउंड देमसेल्व्स टू फॉर्म स्पंजी बोन, और ये जब मैट्रिक्स सेक्रेट करेंगे तो वहां एक स्पंजी बोन बनेगा। स्पंजी बोन किसे कहा, जो अंदर से थोड़ा हॉलो होगा, खोखला होगा, विच लेटर बिकम कॉम्पैक्ट बोन, फिर बाद में ये क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट इज आइसोलेटेड बाय सराउंडिंग मैट्रिक्स, याद रखें जब ये ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं इनको मैट्रिक्स से क्या कर देंगे, अगर हटा देंगे उनके दरमियान जो स्पेस बनता है उस स्पेस को कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें, ये दिखाया गया है, ये क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट बोन, इधर दिखाया गया है, आई डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। सही है। और इनके दरमियान जो स्पेस है उसको लेसोना कहा जाता है। दे बिकम ऑस्टियोसाइट्स, और यही लेसोना क्या बन जाते हैं, बाद में बोन सेल्स बनते हैं। ऑस्टियोसाइट किसे कहते हैं, बोन सेल्स को। ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, मैच्योर सेल्स दैट फॉर्म द बोन, और यही क्या बनाएंगे, बाद में हड्डी बनाएंगे। द ऑस्टियोसाइट्स डायरेक्ट ऑस्टियोब्लास्ट टू द साइट ऑफ द डैमेज। अब कहीं किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो ऑस्टियोसाइट्स थे, जो बोन सेल्स थे, वहां क्या कर देंगे, ऑस्टियोब्लास्ट को भेज देंगे उस डैमेज वाली जगह में, और इसमें हैस्टनिंग हीलिंग, और वहां पर तेजी से फिर क्या हो जाएगा, वो जख्म या बोन फ्यूज होना शुरू हो जाएगी जहां पे फ्रैक्चर हुआ था। तो इसलिए ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, अब कौन से हैं, ऑस्टियोब्लास्ट ये तीसरे किस्म के सेल्स हैं, परफॉर्म द जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कंपोजिट मटेरियल इन बोन्स। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बोन्स के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स को। ऑस्टियोसाइट्स आल्सो फेगोसाइट सिटाइज द बोनी मैट्रिक्स। याद रखें जो बोन सेल्स हैं जिन्हें ऑस्टियोसाइट, फेगोसाइटोसिस एक ऐसा अमल होता है जिसके जरिए से क्या करता है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में किसी भी चीज को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उस चीज को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो यहां ये सेल्स अपने अंदर उन सेल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कहां पे, बोनी मैट्रिक्स में। फिर क्या होगा, वंस द मैट्रिक्स इज रिमूव, जब वहां से ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रिमूव या निकाल देंगे, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट रीफॉर्म्स अ न्यू बोन मटेरियल, फिर वहां पे ये बोन एक नया मटेरियल बनाएगी जो कि क्या करता है बच्चे, एक तो डीमिनरलाइजेशन करता है, यानी वहां पे कैल्शियम फॉस्फोरस जो हमारे बोन्स को चाहिए वहां दोबारा वो क्या करेगा, जमा करेगा, एक्युमुलेट करेगा, एंड रिपेयर ऑफ बोन, और इस तरह हमारे जो बोन है वो क्या हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं अगर कहीं कोई फ्रैक्चर हुआ है या कोई इंजरी हुई है तो। ठीक है, तो ये आज आपका क्या हुआ जी, स्ट्रक्चर ऑफ बोन।